Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manohar Vāñśā kalpataru vāśya ki pāsindu vevacha Patitānaṁ pāvane bhavishna vibhyo namo namaha Mūkaṁ karoti vācālaṁ pangum langhaiti girim Yat ki pātam haṅga bandhi paramānanda madhavam Vṛndāvai tosidhe bhai piyāvai kesava sacha Shna Bhakti Pade Devi Svatta Bhattvaihi Namo Namaha Narayana Namaskritta Naran Chaiva Narottama Devin Saraswatin Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Katho Padeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanu Rakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadaksha Jagod Varunya Deyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Titas Padam Siva Princhenutam Saranyam Betatiham Panatopal Bhavadibhutam Bande Mahapurushate Charanarabhindam Yat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Bisvuriji to Kemapika Pavadushva Darshi Purnanura Gurasa Sagara Saramurti Saradhikami Kada Kipam Karush Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka vadato Sanketanai kavitaro kamala yatakshu Vishambaru diyavaru yugadharma palo Bande jagat priyakaru karuna bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Surair Vandito Diparupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupe na sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamananga madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusho Vadane Lakshmi Rijasacha Bakshashi Yasyasti De Sambhid Twam Nishingamaham Haji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ma Kuru Dhano Jano Jovan Garvam
हरति निमेषात् कालो सर्वं मयामयमिदं अखिलं हि त्वा ब्रह्मपदं विदितो विदित्वा मा कुरु धनो जनो यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालो सर्वं गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं जे दो दिन का ये जिंदगी है, ये शरीर छोड़ने का बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ये सब विषय में शरीर रहते हुए चिंता करना चाहिए। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं ये दो दिन का जिंदगी में है, ये दो दिन का जिंदगी है, शरीर छूटने वाला है, ये शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, हम यहाँ मेरा नित्य स्थिति कहाँ होगा, ये सब विषय में हर वक्त चिंता करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बहुत सारे किताब लिखे हैं, उनमें से एक किताब है ट्रूथ रियल एंड अपरेंट। सत्य दो किस्म का है, इस विषय में प्रभुपाद जी की छोटा सा किताब लिखे थे ट्रूथ रियल एंड अपरेंट। सत्य दो किस्म का होता है, सत्य दो किस्म का होता है, एक है अपेक्षिक सत्य, एक है नित्य सत्य। इस विषय में प्रभुपाद जिस किताब में चर्चा किए हैं, अपेक्षिक सत्य का मतलब है जो अनित्य सत्य लेकर हम लोग जी रहा है, जो अनित्य सत्य लेकर हम लोग जी रहे हैं, ये अनित्य सत्य है, ये सत्य है लेकिन पार्मानेंट नहीं, अनित्य है, रिलेटिव सत्य है। ये मकान बारी, ये संपत्ति सब मेरा है, ये सही है, लेकिन फिर भी सही नहीं है, क्योंकि शरीर छूटने का बाद ये सब चीज़ों के ऊपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, नहीं रहेगी। और अप्राकृत सत्य है, परंतु एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान का साथ हमारा नित्य संबंध है, भगवान का भक्त का साथ नित्य संबंध है, बस इसको आविष्कार करना है। भगवान का साथ, भगवान का भक्त का साथ मेरा नित्य संबंध है, इस चीज़ को बनाने का दरकार नहीं, ये वो है, ऑलरेडी है, इसको आविष्कार करना जरूरी है। भजन गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा इसको आविष्कार करना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी जीवन अधूरा रह जाएगा। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अगर अनंत इन्फिनिटी अनंत का बैकग्राउंड में हम चिंता करें तो तुरंत सारे समाधान निकल आएगा। मेरा कहने का मतलब है जीवन जिंदगी है, समय जो है, जीवन जिंदगी जो है, नित्य जीवन जो है, इस बारे में चिंता करना चाहिए। समय अखंड समय तत्व है, समय का बारे में बोला गया ये अखंड काल अखंड है, ये अखंड काल को हमारा सुविधा का अनुसार जीते जी जिंदगी हमारा जीवन रहते हुए हम इस समय को सेग्रीगेट कर लिया, भाग कर लिया, भाग करते करते हम बत्सर मनी ईयर बरस, उसका बाद महीना, उसका बाद पक्ष अथवा 15 दिन, उसका बाद हफ्ता, उसका बाद दिन, उसका बाद घंटा,
उसका बाद मिनट, ऐसा करते करते हम अपना हिसाब का अनुसार समय को डिवीजन कर लिए, लेकिन वास्तविक समय डिवीजन करना संभव नहीं। समय अखंड काल है, अखंड काल अनंत काल से अखंड काल, जो समय का प्रवाह टाइम फ्लो ये चल रहा है। जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, अगर हम अनंत का बैकग्राउंड में सोचे, अर्थात कहने का मतलब है अनंत काल मेरा पीछे है, इसका बैकग्राउंड में मैं सोचना शुरू कर दे तो इसमें कुछ अनुभव आएगा। अनंत का प्रेक्षापट, संस्कृत में बोलता है प्रेक्षापट, बैकग्राउंड, जो भी कुछ सोचे, जो कुछ करे, सब अनंत देव को कनेक्शन करके करे, उसमें कोई हंगामा नहीं होगी। हर वक्त एक चिंता रहेगा, एक चिंता रहेगी, जो मेरे को जगत से जाना है, तो अगर जाना ही है तमाम चीज़ें, जो चीज़ लेके, जो वस्तु व्यक्ति लेके मैं जी रहा हूँ, हर हालत में मेरे को छोड़ के जाना ही है, इसका कोई सल्यूशन आज तक निकाला नहीं। जो कुछ भी है मेरा सराउंडिंग्स में, मेरा जो कुछ भी है, मेरा बोल के, मेरा मैं रिलेटेड, मैं मेरा सब छोड़ के जाना ही है, इसका कोई कंप्रोमाइज हुआ नहीं, कोई सल्यूशन निकाला नहीं। बुद्धिमानी इसी में है कि सब चीज़ छोड़ के मेरे को जाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं पहले से ही उसको छोड़ के दें। छोड़ के दे मतलब ये नहीं, कहने का मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ के जंगल में चले जाओ, कि जंगल में जाओ तो कहाँ जाओगे, जंगल में जाओगे तो शरीर तो जाएगा, शरीर जाएगा, मेटेरियल माइंड, जड़ शरीर, जड़ मन जाएगा, वहाँ जाके भी ये जड़ मन जो है सताएगा, कोई समाधान नहीं। ये मेटेरियल माइंड को, मेटेरियल बॉडी को लेके हम चल दिए जंगल में, वहाँ जाके कुछ समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या समाधान होगा। समाधान तो भजन में है, समाधान किसी में नहीं है, समाधान है भजन में। हम इसी मेटेरियल माइंड, मेटेरियल शरीर को जी के जाए, वही अवस्था पैदा हो, वही मेंटली डिस्टर्बेंस ये मेटेरियल माइंड में आते रहेगा, अ फ्लो ऑफ मेटेरियल थिंकिंग्स, अ फ्लो ऑफ मेटेरियल थिंकिंग कैन कम एंड डिस्टर्ब मी। प्रियव्रतों को यही प्रश्नों उठाया गया था प्रियव्रतों के सामने, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने यही बात को उठाया था, बेटा देखो तुम अपना मेटेरियल माइंड को लेके, जड़ मन शरीर को लेके जाओगे, फायदा कुछ है नहीं, वो जंगल में जाके भी तुम्हारा ये जड़ जगत का चिंता है, ये माइंड जो है, ये माइंड का अंदर में सस्पेंडेड, जैसे पानी में, पानी में अगर बहुत पावरफुल मशीन से देखा जाए, अनुवीक्षण यंत्र, तो ये पानी के अंदर में बहुत सारे सस्पेंशन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत सारे धूलकण है, ऐसा माइंड में भी, मन में भी बहुत सारे अनगिनत अनगिनत मेटेरियल मैटर्स आर ऑलरेडी सस्पेंडिंग सस्पेंडेड कंडीशन में है। दैट्स व्हाई साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजी विज्ञान कहते हैं माइंड कैन नेवर गो वैकेंट, मन कभी खाली नहीं जाता, मन खाली जाना संभव नहीं, कुछ ना कुछ रहेगा जरूर, कुछ ना कुछ रहेगा, इसको खाली करना संभव है नहीं। जैसे वायुमंडल किसी जगह सर्टेन स्पेस एक जगह को वेरी केयरफुल एक जगह को घेर कर शीशे से और किसी भी हालत से घेर कर उसको वैकेंट करने का कोशिश करें, किसी एक सर्टेन स्पेस को घेर के इसको टोटली हम एयर फ्री करने का कोशिश करें, ये होगा नहीं,
0.00 समथिंग ईयर रहेगा ये संभव ही नहीं, टोटली वैकेंट करना संभव नहीं है। जैसे ही पृथ्वी का बाहर जाओ स्पेस में, वहां तो वायुमंडल है नहीं। ऐसा करके विचार किया जाए तो मन को भी किसी भी हालत से विषय का बाहर ले जाना संभव नहीं। कुछ ना कुछ विषय जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ विषय रहेगा। तो समाधान इसी में है महाराज, मन को अगर वैकेंट नहीं किया जाए तो रिप्लेस तो किया जाए। हाँ, रिप्लेस किया जाए, इसी में भलाई है। आज गंदगी है उसको रिप्लेस करके अच्छा चिंतन, भगवत चिंतन, भगवान का तत्व विज्ञान और भक्तों भगवान सेवा, इसी के बारे में प्रेरित किया जाए मन को, तो मन में जो दुर्गम दूषित चीज है उसको रिप्लेस करना संभव है। सबसे सबसे इजीएस्ट प्रोसीड्योर ये है, कोई संत महात्मा का सामने जाए, शुद्ध संत महात्मा का सामने जाए, जाके ढोंक लगाए, दंडवत करे। ऐसा दंडवत करे मन से, अंतर से दंडवत करे, मेटेरियल मन मेटेरियल शरीर दंडवत करे, फिर भी ये दंडवत नहीं है, क्योंकि काय मन वाक्यों तीनों के द्वारा जब तक शरणागति ना हो जाए, काय मन वाक्यों के द्वारा जब तक दंडवत ना हो जाए, नमो शब्दों नौ, प्रभुपाद जी ने बताए नौ शब्द को मतलब निषेध, नौ शब्द का मतलब निषेध, म शब्द का मतलब अहंकार, नमः, ये नमो प्रणाम दंडवत, इसका माने ये है अपना अंदर का जितना सारे अहंकार उसको तिलांजलि दे दो गुरु वैष्णव के चरण में, भगवान के चरण में। और जब दंडवत लगा के उठोगे, जैसे गंगा में बहुत दिनों का दुर्गंध दूषित पानी पूजा का फूल सारे लेके गंगा में पहुंचा, मकसद ये है कि गंगा जी में ये सारे ये बहुत दिन का पानी है, फूल है, पत्ता है, सब गंगा जी में फेंकेंगे, उसका मंजन करके और शुद्ध पानी गंगा का भर के लाएंगे। जैसे ही वो उदाहरण दिए ये पक्का है, पहले जाके क्या करें, पहले ये कलसी को वो पात्र को जाके उल्टा कर दें, उल्टा कर देने से अंदर का जितना सारे पानी है, पत्ता है, पुराना सब कुछ है, पानी में बह जाएगा। उसका बाद कलसी को मांजन करके और पानी में नीचा करके फिर माथा को थोड़ा ऊपर कर दो, पर ढक 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 करके अंदर का सारे पानी, बाहर का गंगा जी का शुद्ध पानी अंदर जाए, उसका बाद भर के घर में लाओ। ठीक ऐसा है हमारा हृदय में, हमारा मस्तक में जितना सारे दुर्गंध दूषित चिंता है इसको रिप्लेस करना संभव नहीं है। बस एक ही रास्ता है, सत्संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा हर हालत में संभव है। चैतन्य चरितामृत के ये बात, ये जो सच्चा वचन है, ये हर हालत में साइंटिफिक ट्रूथ है। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। साधु संग के द्वारा ही विषय में डिटैचमेंट, वास्तव सत्संग हो जाए, वास्तव सत्संग हो जाए तो विषय में डिटैचमेंट अर्थात विषय के साथ दूरी। कौन सी विषय? जो कृष्ण भजन में कोई काम में नहीं आवेगे, जो कृष्ण भजन में कोई काम में नहीं आवे वो सब चीज को फेंक दो, और जो सब चीज भगवान का सेवा में लगे उसका साथ संबंध संबंध, जो गौड़ीय मटका अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयंजत, ये श्लोक बड़ा कामयाब, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है।
ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें जो युक्त वैराग्य का भाव दिया गया, जिसको प्रभुपाद जी ने ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट बोला गया। ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति संत महात्मा का अंदर इतना पावर है, सिद्ध गुरु वैष्णव का अंदर में इतना पावर है, कोई भी चीज सामने आए, चाहे तो नेगेटिव चीज भी आए, उसके भी उसको भी कैसे अनुकूल बना दे। ये जो टेक्निक है ये बड़ा शानदार, ये टेक्निक है भजन का टेक्निक। चाहे नेगेटिव चीज हो, मेरा कहने का मतलब है जो चीज है हमारा सामने, जो कुछ जो चीज है, दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता, तमाम चीजों को भगवान का सेवा का साथ रिलेट कर दो, रिलेट कर दो तो हो गया छुट्टी, काम खत्म। तमाम दुनिया का जो चीज दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता, अन्नय व्यतिरिकाभ्याम जत सत सर्वत्र सर्वदा, ये सभी चीज को भगवान का साथ रिलेट कर दो, कनेक्ट कर दो, इसका लिंक बना दो। लिंक बना से ये है भगवान का भजन का एक बड़ा गुप्त रहस्य। सिद्ध महात्मा किस लिए सिद्ध है? इसीलिए सिद्ध है, वो कभी नेगेटिव देखता नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताए गुरु वैष्णव आम आदमियों को सही रास्ता पर चलाने के लिए कभी कभी नेगेटिव चीज किसी का बारे में, सिद्धांत विरोध, लोकाचार, सब उल्टा सीधा सब बारे में चर्चा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये जो चर्चा है इट इज नॉट क्रिटिसिज्म, इसको निंदा चुकली नहीं बोला जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहे लिखे हैं गुरु वैष्णव जो परमहंस गुरु वैष्णव जो आम आदमियों को बचाने के लिए, ये दुनिया को मार्ग दिखाने के लिए, ये खराब है ये ठीक नहीं है इसी रास्ता में चलो, ऐसा करते करते थोड़ा भेद का विचार बनाते बनाते चले, ये निंदा नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज जी के सामने सुखदेव गोस्वामी सौ बराहो ओष्टोखरो संस्तुत पुरुषा गाली दिया, सुखदेव जैसा परमहंस जी जो किसी का सामने कुछ मांगते नहीं, मांगना तो दूर की बात है, बस थोड़ा बहुत दूध, थोड़ा बहुत मिल्क, दूध बिना मांगे मिल जाए उसी से गुजारा कर दे, वो भी तीन घर, तीन ओनली थ्री हाउस, तीन घर में भगवान का प्रेरणा का अनुसार, भगवान का प्रेरणा का अनुसार तीन घर में जाएंगे और खड़ा रहेंगे पल भर, और कोई रिस्पांस मिला, कोई आया देख लिया बाबा खरो है, मिल्क आदि देख दिया तो ठीक है, नहीं तो बाबा चल दिए, नहीं मिला तो नहीं खाए। ऐसा जो निरपेक्ष साधु है, जो जगत में ऐसा अनन्य निरपेक्ष हो, मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी है, शिला सच्चिदानंद भक्तिमूर्ति ठाकुर जी है, थिला प्रभुपाद जी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लेकिन आम आदमी समझते नहीं, बड़ा दुख की बात। दुख भरे नाले भजन का आज शुरू हो गया, कोई समझने की तैयार नहीं है, कोई मतलब नहीं है भजन से, अपना अपना हिसाब से चलो बस हो गया। ऐसा अनन्य निरपेक्ष जो सुखदेव गोस्वामी जी है, ये सुखदेव गोस्वामी का कुछ आता जाता नहीं, किसी का सा लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कुछ मकसद नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी भगवत कथा कहने के लिए वैसा सामने बैठा तो बोल दिए सौ बड़ा हो चोखर संस्थूत पुरुष, ये सुअर है, कुत्ता है, ये ऊंट है, ऐसा करके बंदर है, गाली दिया। कैसे गाली दिया? बोले ऐसे गाली दिया, बोले ये गाली क्यों दिया, ये तो परमहंस है। बोला हाँ, प्रभात कह रहे हैं अगर जगतवासी का मंगल का मार्ग दिखाने के लिए गुरु वैष्णव को कुछ चर्चा करना जरूरी हो गया,
किसी का बारे में बोलना जरूरी हो गया, वो गलती किया, ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा अगर कहे ये जरूर हिंसा नहीं है, ये जरूर हिंसा नहीं है, ये समझ के रखना। गुरु वैष्णव अगर कड़वा बताए, जोर से बताए, सिद्धांत तो बताए, गाली दे, पीटे, शास्त्र में महाराज लिखा है, शास्त्र में लिखा है ताड़ितो पीड़ितो ओ भी, अगर गुरुजी मेरे को पिटाई करे, फेंक दे कमरा से, आश्रम से, गुरोर अप्रियम न कुर्यात, गुरु का अप्रियो सोचो मत, ये गुरु बदमाश है, ये गुरु को मारो, काटो, फेंक दो, चुकली करो इसका साथ, निंदा करो, महाराज निषेध है, हर हालत में निषेध है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, जे ताड़ितो पीड़ितो विवाह, अगर मेरे को तारण भस्सन किया, तारण किया, मारा, पीटा, फेंक दिया मेरे को, फिर भी गुरोर अप्रियम न कुरिया ताड़ितो पीड़ितो विवाह, गुरु का अप्रिय, गुरु का बारे में गलती मत सोचो, उल्टा मत सोचो, गुरु का साथ हिंसा मत करो। उस दिन बता रहा था रामनवमी का देना, जिस समाज में साधु संतों का कोई इज्जत नहीं है, जिस समाज में तत्व ज्ञानी का कोई इज्जत नहीं है, जो समाज में सत्य मिथ्या न्याय नहीं है, जिस समाज में नारी जाति का कोई सम्मान ही है नहीं, सदाचार नहीं, ये जाएगा हर हालत में छोड़नी चाहिए। न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, ये सब चर्चा किया था महाराज, जहां शुद्ध साधु का मुखारविंद से अनन्य हरि कथा का प्रवाह, गंगा पानी मंदाकिनी का प्रवाह नहीं बहती बहती हुई आ रही है, उसी जगह रहना जरूरी नहीं है। जितना भी फैसिलिटी रहे, जितना भी सुविधा रहे, पैसा का बल रहे, लोग बल रहे, कुछ भी रहे, वो जगह रह के कोई सुविधा नहीं होगी, बस उल्टा हो जाएगा। इसलिए बताया गया सुखदेव गोस्वामी, या तो आजकल के जमाने में देखो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बहुत गाली देते थे, स्लैग लैंग्वेज, इसीलिए आए हो क्या मेरा सामने जवाब, ये सब महात्मा लोग सब अंतर्यामी, सब समझते हैं अंतर का क्या भाव है, किस लिए आए हैं, सब जानते हैं। तो ये जो है, जब तक ऐसा मापी संत महात्मा का कृपा हमारा सामने ना आ जाए हमारा जीवन जिंदगी में, तब तक अंधेरा ही अंधेरा, थोड़ा बहुत सुनेगा, विचार करना संभव है कि नहीं संभव है तो वो जाने। जब तक शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा ना बन जाए तब तक कोई रास्ता खुलेगा नहीं। थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान मुखस्त कर लोगे, लेकिन तत्व का अनुभव होना तभी संभव है जब भरपूर गुरु वैष्णव का कृपा बन जाए, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। निरपेक्ष होना जरूरी है संप्रदाय को रक्षा करने के लिए, संप्रदाय का रक्षा करने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए। अगर शुद्ध गुरु वैष्णव अगर कुछ करवा बात बोलने के लिए मजबूर हो जाए, निंदा जैसा, मैंने कड़वा बात बोलने के लिए तो कोई गाली दे, कोई किसी विषय में बोले, ये निंदा जैसा लगता है, लेकिन हर हालत में निंदा तो नहीं है, ये मंगलदायक है। अगर नहीं है तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को परमंश तो है ही है, लेकिन आचार्य वर्ज बोलने का तो दरकार नहीं था, क्योंकि गौर किशोर बाबा जी महाराज तो बाजार में नहीं गया हरि कथा प्रचार के लिए, गया क्या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, क्या बाजार में गया हरि कथा बोलने के लिए, गया तो कैसा प्रचारक बन गया, बोले प्रचारक गए आचरण से, इसका आचरण ऐसा था और बीच बीच में ऐसा कड़वा बात बोलते थे, ये उसको परमंश आचार्य वर्चो गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, ये आचरण जो है, आचरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शास्त्रों का मुखस्त करना, मेमोरी याददाश्त अच्छा है, ये सबसे बड़ा चीज नहीं है।
सबसे बड़ा चीज है आचरण, आचरणशील वैष्णव का सामने रहना जरूरी है। रहने से तमाम अनुभव हो जाएगा, इसीलिए कोई संदेह नहीं है। याद है बहुत दिन पहले चर्चा, शेष चर्चा हुआ था, जो अनन्य चेता सततम जो मांग स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थो नित्य युक्तस्य योगिनः। गीता का 18 नंबर अध्याय का 14 नंबर श्लोक को चर्चा हो गया, फिर भी याद दिला दे थोड़ा। मतलब ये है केनुपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि देखो महाराज, किसी भी हालत भगवान का साथ संबंध जोड़ना जरूरी है, लिंक याददास, हर वक्त भगवान का साथ नाता जोड़ना जरूरी है। केनुपायेन, ये जो श्लोक बोला, केनोपि उपायेन, किसी भी हालत से, ऐसा बोलने का तात्पर्य ये है जे चेदिराज शिशुपाल का कैसे सिद्धि बने महाराज, वो तो जिंदगी भर निंदा किया। बोले हाँ, निंदा तो किया, निंदा किया, चुकली किया, गाली दिया, सब तो किया, लेकिन हर वक्त मरने उठने बैठने खाने हर वक्त भगवान का साथ एक संबंध मतलब एक लिंक बन गया था। ये संबंध हमारा जरूरी नहीं है, ये इन जनरल कह रहे हैं। ऐसा मान, ऐसा नहीं कि हम कम से कम आप ही हम भजन करेंगे, या तो अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम, ये चर्चा होने से आप समझ पाओगे। मतलब कहने का मतलब है, नारद जी कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि इसका कारण ये है कि शिशुपाल चेदिराज जो है, ये हर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो किसी भी हालत से भगवान का साथ कनेक्शन थे, उसका वैरी चिंतन, किसी का साथ वैरानुबंधात्, किसी का साथ वैरानुबंधात्। वैरानुबंधात माने किसी ने आपको क्षमा का अपमान किया, आपका लूट लिया, हरे पैसा आदि सब लूट लिया, आपको रास्ते का भिखारी बना दिया, क्या आप भूल सकते हो उस रिलेटिव को? आप भूल सकते हो उस रिलेटिव को जिन्होंने आपको भिखारी बना दिया? जितना भी कहो, दुश्मनी जो है उसका साथ पैदा हो गया, हर हालत में दुश्मनी जो है ये, इसको हटाना संभव नहीं है। कैसे हटाओगे? क्योंकि बद्ध जीव का अंदर हर वक्त, अभी भी शुरू किया था इस भी रिलेटिव वर्ल्ड में जो संबंध है, इसको छोड़ना संभव नहीं होता। मुने रोपी दुस्तज्जो लिखा हुआ है शास्त्र में, ये जो अपेक्षिक जगत का जो रिलेटिव संबंध है, ये मेरा संपत्ति है, मेरा बीवी, कुछ भी हो, इसको हटा लेना संभव नहीं है। एक कहानी याद हो गया, एक व्यक्ति को फांसी का फंदा में लेने के लिए तैयारी चल रहा है, जज साहेब अंतिम राय दे रहे हैं, वो इसलिए कि एक आदमी को खून किया था कि वो छुपके से उसका पत्नी अपना बीवी का साथ आया करता था, एक दिन पकड़ा गया तो उसे रहा नहीं गया, वो खून कर दिया, उसका बारे में केस चला, केस चलते चलते तो इस हालत तक पहुंच गया, उसको फांसी का फंदा में क्यों खून किया, मर्डर किया, इसको शास्ती हुई। इस समय में जज साहेब ने अंतिम उसका इच्छा पूछ रहे हैं, आपका आखिरी ख्वाहिश बताओ, जज साहेब पूछ रहे हैं। जब भी युक्ति तर्क सब हो गया, लॉजिकल जो चलना है, आइन का जो रास्ते हैं वो तो यही है, हम तो उस दिन भी बताया था, इंसाफी का तराजू राम जी का हाथ में है,
ये दुनिया क्या करे, बेरहम बेरहम दुनिया क्या करे, कुछ नहीं कर सके। देखो जब आखिरी ख्वाहिश पूछा गया जॉस साहब के सामने एक बात कह दिया, देखो मेरा ये आखिरी वॉइस है, आपका बीबी का साथ एक रात रहे, तो तुरंत एकदम पेपर वेट उठाकर इसका मस्तक में फेंक दिया, ता वो हट गया। जॉस साहब को हंसते हुए बताया, देखिए मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला, इसमें अपना इतना गुस्सा आ गया और मेरा साथ कैसा बेइंसाफी हुआ, आप विचार कर लो। कहानी है, एक सच्चा कहानी किसी जगह हुआ था। तो मतलब ये है, दुश्मनी जो है आदमी का और दोस्ती दुश्मनी ये सब दुनिया का बात है, और दुनिया का बात ये सब है, लेकिन ये लोग आरोप करते हैं, ये लोग आरोप चलाते हैं, गुरु वैष्णव भी इसका इसका अंतर्गत है। जो मेटेरियल आदमी सब जड़ जगत का आदमी ये सोचते रहते हैं कि ये दुश्मनी है दोस्ती है, ये सब तो दुनियादारी का चीज है, लेकिन ये आरोप करते हैं गुरु वैष्णव के ऊपर, आरोप चलाते हैं, पर गुरु वैष्णव का भी ऐसा है, इसलिए इसका विचार में गलती आ जाता। जो साधारण चिंता है साधारण विचार है जगत का, ये गुरु वैष्णव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो लोग सोचते हैं। याद आए बहुत दिन पहले हम चर्चा किया था, शंकर भगवान का सामने देवी मैया पूछ रही है कि हमको जाने दो, अब चलो चलो चले हम लोग। बोले कहाँ? बोले पिताजी का वो यज्ञ उत्सव है, यज्ञ उत्सव है, यज्ञ में चलो। बोले पिताजी तो निमंत्रण नहीं किया, दक्ष प्रजापति तो निमंत्रण नहीं किया, तो क्या हुआ? निमंत्रण नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या पिता का घर में, गुरु का घर में, दोस्त का घर में बिना निमंत्रण भी जाया जाए, बिना निमंत्रण भी जाया जाए ना? बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहां तो कुछ गड़बड़ी है। कौन सी? वो मेरे से दुश्मनी करता है, मेरे को हर वक्त मेरा साथ दुश्मनी लगा के रखता है, मैं क्या करूं? मेरा साथ तो किसी का दुश्मनी है नहीं, क्योंकि शंकर भगवान परमंश वैष्णवानम यथा शंभु। ऐसा करके बृहस्पति सब यज्ञ हो रहा है, देवी मैया ने नहीं सुनी, ने हार हालत में मेरे को जाना ही है, आप जाओ ना जाओ आपका इच्छा, चल दी। और शंकर भगवान ने कह दी जे जद गमिष्ये अतिहाय मद वचः, यदि अगर मेरा वचन को अतिक्रम करके आप जाओगी तो संग न भविष्यति, तब तो मंगल नहीं होने वाला है। देवी ने सुनी नहीं, बहुत सारे पीछे कहानी है, ये सब बोलने का टाइम नहीं है। देवी चल दी और अमंगल तो अमंगल ही हो चु। देखो क्या बात है, शंकर भगवान ने अपना युक्ति दिए, भागवत जी महापुराण में है, तथा अरिभीर न व्यथते, तथा अरिभीर न व्याथते सिली मुखई सेते ओर्ति सेते ओर्दितांग हृदय न दुयता स्वानम यथा भक्त धियाम दुरुक्तिवीर दिवानीशम तपति मर्मतारित। क्या बोला? ध्यान से सुनना, तथा अरिभीर न व्याथते सिली मुखई शेते ओदितांग हृदयेन दुयता स्वानम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर दिवानीशम तपति मर्मतारित। अगर कोई अस्त्रों के द्वारा किसी ने चलाया होगा अस्त्रों, इसके द्वारा शरीर में कोई जख्म पैदा हुआ, किसी ने चलाया हुआ अस्त्र है और इसके द्वारा अगर शरीर में कोई जख्म पैदा हुआ, जबरदस्त जख्म, ये महाराज मलम इंजेक्शन मलम क्या कितना किस्म का दवा चल रहा है, बहुत पेन हो रहा है,
फिर भी कभी कभी डॉक्टर का दावा ऐसा है, कभी कभी थोड़ा सो भी जाता है। सोने से पेन का तो थोड़ा बहुत रिलैक्स होता ही है, क्योंकि शयन में याद नहीं रहता। ऐसा बताया गया शंकर भगवान, देखो जगतगुरु शंकर भगवान कैसा युक्ति दे रहे हैं। तथा अरिभीर न व्याथते सिले मुखई से ते अर्दितांग हृदय न, जब भी हृदय में दर्द है, बड़ा जबरदस्त जखम है, दर्द हो रहा है, फिर भी दवा का भी ऐसा जादू है, कभी कभी सो भी लेते घंटा भर। लेकिन सानम यथा भक्त धियाम दुरुक्त भीर, अगर किसी ने अपना रिलेटिव हो, कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, इतना फालतू व्यवहार किया, गाली दिया और बेईमानी किया मेरा साथ, स्वानम यथा वक्र धियाम दुरुक्त भी, इतना घटिया बात बोले, गाली दिए, और इसके द्वारा जो तीर चले, एक गालियां का जो तीर चली हृदय में, उसके द्वारा जो जखम पैदा हुई, इसके द्वारा रात को सोना संभव नहीं है। ध्यान देना, इसके द्वारा रात को सोना संभव नहीं है। वो हर वक्त चिंता करते, हमको गाली दिया था, हमको सब लूट लिया मेरे से, हैं ऐसा ही चिंता बने रहेगा, ऐसे चिंता बने रहेगा कि दुश्मनी का द्वारा। इसलिए देखो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, आई एम श्योर, इस विषय में मैं निश्चित हूं कि दुश्मनी के द्वारा जैसा याददाश्त बने रहता है, दुश्मनी के द्वारा हर हालत में, दुश्मनी के द्वारा जितना याददाश्त बने रहता है हृदय में, अनुकूल दोस्ती के द्वारा, अनुकूल परिस्थिति के द्वारा ऐसा याददाश्त बनाए रखना संभव नहीं होते। ध्यान देना, ये हर हालत में सच्चा बात है। तो गुरु वैष्णव का साथ अगर कोई आरोप करे कि उसका भी ऐसा दुश्मनी है इसलिए गाली देता है, ऐसा करवा बोलते हैं, वो मूर्ख नंबर वन, गाधा, गधे का बच्चा है, बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रिलेटिव जगत का जो सेंस रिलेशन है, सब कुछ है, गुरु वैष्णव का अंदर नहीं है। इसीलिए बताया रास्ता एक ही है, जो भगवान का शरण में आए, गुरु वैष्णव का माध्यम, गुरु वैष्णव का माध्यम, गुरु वैष्णव का कृपा लेकर जो भगवान का शरण में आए, भगवान का चिंतन करे, इसका लिए हर हालत में संभव है भजन करना। तो भगवान गीता ने बताए, इस श्लोक का चर्चा बहुत पहले हो गया था, फिर भी थोड़ा याद दिलाते हैं। अनन्यश्चेतः सततम जो माम स्मरति नित्य सह, ये कंस का मापी शरण नहीं है, ये कंस का मापी शरण नहीं है, शिशु का, शिशुपाल का मापी शरण नहीं है। जब भी बोला गया जे अनुकूल भाव के द्वारा जो याददाश्त बनता है, दुश्मनी के द्वारा याद, जबरदस्त याददाश्त बनता है, ये ठीक है, लेकिन इतना मत, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंस का मापिक भजन करूं। अनुकूल्य संकल्प पातिकुल्य विभाजनम, यह बहुत सारे विचार है रसामृत सिंधु में है। बेन राजा का मारे में क्या कहा गया, किसी भी हालत से बेन राजा का साथ गुरु वैष्णव भगवान का कोई लिंक नहीं बन पाया। बेन का ऐसा हालत हुआ, बेन का साथ गुरु वैष्णव भगवान का कोई लिंक नहीं बना, चाहे नेगेटिव लिंक वो भी नहीं बना, क्योंकि ये इसका साथ कोई लिंक नहीं मिला, इसलिए इसका अदब पतन। और शिशुपाल का सिद्धि देखा गया सभा में, राष्ट्रीय यज्ञों में। तो कहने का मतलब है, हमारा गुरु वैष्णव का ये विचार है, गीता में भगवान बताया गया, गीता में बताया गया, अनन्यश्चेतः, जिसका कोई दूसरा कोई चिंता है ही नहीं। 1.8
एक एक तरफ चिंता है, सिर्फ हर वक्त भगवान के याददाश्त बने अनुकूल अनन्य चेत सततम जो मान स्मरति नित्य सहा, हर वक्त हर समय पल भर हर वक्त मेरे को चिंतन में रखता है, मेरा स्मरति स्मरति नित्य सहा मेरा चिंतन करते रहता है। इसका लिए तस्या हम सुलभ पार्थो, इसका लिए मैं सुलभ हूं नित्य युक्त सुयोगी ने, क्योंकि गीता में और भी श्लोक है अनन्य चिंतन तो ये यना मांग पर जुपासते, अनन्य चिंतन तो ये यना मांग पर जुपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगोक्षेम बहाम्याम, इसका बारे में ध्यान देना। जो ठीक ही है नित्य युक्त सुयोगी न, और इसका अगला श्लोक में बताया गया माम उपेत्व पुनर्जन्मो दुख्यालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मनः संसिद्धिम परमाम गतः। जैसा मापिक लक्षण बताया गया मद भक्तो, हमारा भक्तगण हमको प्राप्त करने का बाद दुःखालयम अशाश्वतम अनित्य जगत का जो सुख दुख है इसका नाता वो काट दे तोड़ दे, ध्यान दे उल्टा व्याख्या ना आए, उल्टा व्याख्या हृदय में ना आए। जैसे बताया गया था चारों किस्म का व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं, चारों किस्म का व्यक्ति आर्तो जिज्ञासो अर्थार्थी चौगैनी, इसका बारे में बहुत चर्चा हुआ। आर्तो व्यक्ति के हृदय में कसाय हो तो उसको मिट जाए तब वो भजन कर पाएगा, जिज्ञासु का भी अंदर में जो कसाय है वो मर वो मिट जाए तब वो भजन हो सकता, अर्थार्थी व्यक्ति का अंदर में जो कसाय है एक कट जाए मिट जाए तब ये भजन कर सकता है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी जो ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति का अंदर में जो ज्ञान कसाय है वो कट जाए मिट जाए जभी जभी आगे चल के भजन कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं अर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी चो ज्ञानी चतुर्विधा भजन्ते मां हैं, ये जो बोला है इसका मतलब ये नहीं चतुर्विधा कोई भी हो वे भजन कर ले, नहीं। इसका व्याख्या भक्ति ठाकुर ने विश्वनाथ चकुर में किए, चतुर्विधा व्यक्ति ठीक है लेकिन वो अपना अपना जो कसाय लेके बैठा हुआ है ये कसाय को मिटा दे उसका बाद ही भजन हो सकता है, कसाय लेके भजन नहीं हो सकता। तो ऐसा है जे ये जड़ जगत का जो अनित्य संसार का सुख दुख है इसको कैसे सताएगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति हुआ ना माम उपेत्तो, हमको प्राप्त करने के बाद माम उपेत्यो पुनर्जन्मो दुःखालयम अशाश्वतम, शाश्वतम मतलब नित्यो अशाश्वतम अनित्यो, ये अनित्य जगत में जरम मनन का जो माला है ये पहनना जरूरी है नहीं। तमाम ये कल्पों में हम विचार करके दिखाएंगे आगे चलकर, नाप्नुवंती महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः, परम सिद्धि लाभ करे। परम सिद्धि का मतलब भगवान के साथ रिश्ता जोड़ के नित्य संबंध जोड़ के सेवा में लग गया, ये परमम गतः, परम सिद्धि का मतलब ये है। बाकी सब सिद्धि कह जाता लेकिन परम सिद्धि अगर कहे भक्ति छोड़ के परम सिद्धि बोल के कुछ नहीं, भक्ति मतलब सेवा। इसका बाद 16 नंबर श्लोक तक चर्चा हो पाया था, जहां तक मेरा याद है 16 नंबर श्लोक तक चर्चा हो पाया था। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना अर्जुन माम उपेत्तो तू कौंतेयो पुनर्जन्मो नविद्वते, आप ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक रिसाइक्लिंग ऑर्डर में
चेन वाइज घूमते रहते हैं, इसके कोई छुटकारा है नहीं। अब्रह्म भुमना लो कहा पुनरावर्तिन अर्जुन, पुनरावर्तिन जन्म मरण माला चलते रहते हैं, इसका कोई छुटकारा है नहीं। अभी मरा अभी जिया, अभी मरा अभी जिया। मेरा कहने का मतलब है जब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हुई भक्ति सिद्धि, तब तक ये जन्म मरण का माला चलते रहेगा। आप अगर इसका रिक्स लेने के लिए विचार बना रहे हो तो बनाओ, ठीक है। आपका और रिक्स लेने का इच्छा है ठीक है ले लो, लेकिन याद करके रखना समाधान नहीं है ऐसे में, चक्का चलेगा। पुनरोपि जननम पुनरोपि मरणम पुनरोपि मातृ जठरे शयनम, ऐसा चलते रहेगा। अब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेतो तु कंतियो पुनर्जन्म न विद्यते, हमको प्राप्त करने के बाद अर्जुन, हमको प्राप्त करने के बाद और जन्म लेने का कोई सवाल ही नहीं है, पुनर्जन्म न विद्यते। और ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सब साइक्लिक ऑर्डर में घूमते रहते हैं। आप ब्रह्म भुवनात् ब्रह्मनो भुवनम वासस्थानम ब्रह्म भुवनम ब्रह्म लोकम इत्वार्थो, ये सब चलते रहते घूमते रहते। फिर किसी का रिहा नहीं है, अनंत काल से चक्का चल रहे हैं, चलते चलते रहेगा, चलते आया है, चलता है और चलेगा, पहले कोई रोक नहीं सकता। और ये बात समझना जरूरी है, ये समय जो है काल जो है अखंड है, ध्यान दे। और भागवत में दिया गया है ये काल को कैसे खंडित करके डिवीजन करके अपना सुविधा का मुताबिक अपना हिसाब बना लिया। ऐसे तो टाइम सदियों पुराना अनंत काल से चलते रहे हैं, टाइम का फ्लो। समय के बारे में आइंस्टाइन को पूछा गया था, आइंस्टाइन व्हाट डू यू मीन बाय टाइम, आइंस्टाइन ने उत्तर दिया था टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, आगे चलना ये है समय, समय का डेफिनेशन। लेकिन आगे कौन चले, कैसे चले, कब तक चले, तो ये जो कंसेप्शन आया है इसका साथ साथ ये कंसेप्शन है समय स्थान काल और पात्र, कंसेप्शन टाइम स्पेस एंड मैटर आ गया, ये चलते हैं। दूसरा श्लोक में बताया गया जे सहस्रो युग पर्यंतम महर्षद ब्रह्मणो विदुहु रात्रम युगो सहस्रांतम ते अहोर तो अहोर रातो विदो जनहा। सहस्र युग पर्यंत क्या लिखा है, सहस्र युग पर्यंतम महर्षद ब्रह्मणो विदुहु रात्रिंग युग सहस्रांतम ते अहोरात्रो विदो जनहा। यहां भी रिलेटिव टाइम फैक्टर है, यहां भी हमारा रिलेटिव टाइम फैक्टर का विचार है। सहस्रो युग पर्यंतो सहस्र चतुर्युग, सहस्रो युग पर्यंतम सहस्र चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन, और युग सहस्रांतम सहस्र युग परिमित रात है ब्रह्मा का। आई बात समझ में, सहस्र युग, सहस्र युग मतलब सत्य तेता दापर कली, ये युग है महाजुग को, ये सहस्र युग पर्यंत मतलब सहस्र चतुर्युग, अतः सत्य तेता दापर कली करके घूमते आए एक एक चतुर्युग, ऐसा मापिक हजारों चतुर्युग, सहस्र युग पर्यंत हम सहस्र चतुर्युगे ब्रह्म यद अहो
अहोमिन दिन ऐसा माफिक उल्टा विचार करो रात तथा युगो सहस्रांतम रात्रि सहस्र जो परिमित रात्रि है। आज जो लोग का ये शास्त्रों का विचार पक्का है और अहोरात्रों का बारे में कौन सी रात कौन सी दिन कैसे कैसे चलता है रिलेटिव टाइम फैक्टर कैसा है तमाम भागवत में दिया हुआ है। जे लोग का इस विषय में नॉलेज है वो तत्वज्ञानी है। सहस्र युग पर्यंतम सहस्रम युगानी चतुर्युगानी पर्यंतम अवसानम यशो तत् चतुर्युग सहस्रम तू ब्रह्मनो दीनम उच्यते। ब्रह्मा का ये दिन बोला गया ब्रह्मा का 12 घंटा ऐसा माफिक विचार करके रात भी ऐसा ही है। मनुष्यों का गणना में 1 साल जो होता है मानव जाति का जो गणना है इसमें जो साल आता है साल का हिसाब कैसा मतलब 12 महीना में 1 साल 30 दिना में 1 माह 24 घंटा में 1 दिन है 60 मिनट में 1 दिन है ऐसा करके हिसाब करते चलो। तो मनुष्य परिमितो मनुष्य का हिसाब कैसा है तो ब्रह्मा का हिसाब गया। मनुष्य का हिसाब से जो 24 घंटा जाता है हमारा 24 घंटा स्वर्ग में जो देवता बसते हैं स्वर्ग में जो देवता लोग बसते हैं ये लोग का विचार हमारे साथ समान नहीं है। मनुष्य जाति का उत्तरायण 6 महीना जारे का 6 महीना उत्तरायण 6 महीना देवतागण का दिन है और मनुष्य हिसाब के द्वारा दक्षिणायन 6 महीना देवतागण का रात्रि है। कारण देवता लोग मेरु पर्वत का ऊपर उत्तर ध्रुव स्थान में रहते हैं सूर्य सिद्धांत के अनुसार ये बनी बनाया नहीं ये सिद्धांत के अनुसार हम लोगों का 1 वत्सर का मतलब देवता लोगों का 1 दिन रात्रि 1 दिन इसीलिए साल में 1 बार पितृ लोगों को खाना देना जरूरी है पिंडदान पितृ लोगों को खाना देना जरूरी है। एक साल में कि 1 दिन रात्रि में 1 बार 1 साल होता है देवता लोग का पितृ लोग का देवता लोग का इसीलिए खाना देना जरूरी है। तो हमारा हिसाब से लगता है कि साल में एक दर पिंडोदान करें वार्षिकी श्राद्ध साल में 1 बार लेकिन विचार ऐसा नहीं है। विचार है कि देवता लोगों का ये 1 दिन है और 1 दिन का अंदर एक बार खाना पानी पिंड जल आदि दान करना ये सब विचार बनता है इसीलिए साल में 1 बार जो पिंडदान आदि सब वार्षिक श्राद्ध आदि करने का ये जो विचार है स्मार्त समाज में है। सो हमारा 1 साल का मतलब माने देवता लोग का 1 दिवारात्रि और हमारा 360 वत्सर हमारा जैसे 360 दिनों में 1 साल होता है देवता लोग का 360 वत्सर में देवता लोग का 1 वत्सर है। हमारा 360 वत्सर के अनुसार देवतलों का 1 वत्सर है और सत्यतेपा जापर कोली ये चतुर्युग का
परिमाण कैसा है? 432,000। ये कलियुग का 432,000, इसका डबल कर दो दापर युग का, इसका डबल कर दो त्रेता युग का, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो तो क्या होगी? सत्ताजुग का टोटल मिलाकर बहुत युग, ये इसका इतना बड़ा होता है कि बहुत मुश्किल है मापना। से ऐसा मापी ब्रह्मा का दिन जो है ऐसे सत्ताजुग एक एक लाख 72 ना 1,72,08,000 तेताजुग का ऐसा ये सब मिला के टोटल करो। जैसे हमने हिसाब बताया अभी 432,000 कलिकाल का, इसका डबल करने से दापुर युग का मुझे 4,00,000 हाँ आ जाएगा 864,000। इसका डबल कर दो करके तेताजुग, इसका डबल कर दो कि सत्ताजुग, और सारे मेटल के मिला के जो जो आता है हाँ, ये मोट इतना। और चारियुग एक 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 महाजुग व एक चतुर्युग, ऐसा सहस्र चतुर्युग ब्रह्मा के एक दिन है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1,000, ये जो लिखा था ना ये जो सहस्र युग पर्यंत जो लिखा हुआ 1,000 देके मल्टीप्लाई करो गुना करो 1,000 एक सौ बस्सर परमायु है 100 बस्सर करने से, इसका बाद ब्रह्मा का जो दिन एवं रात ऐसे विचार होता है। ब्रह्मा का एक दिन मतलब एक कल्प है, ब्रह्मा का एक दिन मतलब एक कल्प है, एक कल्प का मतलब है अभी विचार आया गीता में अभी आया 1,000 चतुर्युग। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प माना जाता है, एक कल्प का अर्थ है 1,000 चतुर्युग, उसमें 14 मन्वंतर भी आता है, सुतराम एक मन्वंतर का ड्यूरेशन क्या है? मेरे 1,000 डिवाइडेड बाय 14, 1,000 डिवाइडेड बाय 14 करीबन आता है 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग थोड़ा ज्यादा है। तो हर मन्वंतर 71 बार, हर मन्वंतर में 71 बार सत्तो तेता दापर कली चतुर्युग घूम घूम के आता है। एरवे 14 मन्वंतर जब शेष हो कल्प क्षय हो जाता है तब प्रलय होता है ब्रह्मा का एक दिन, और तब अभी चल रहा है सेद बराहो कल्प का 7वां मन्वंतर चल रहा है, 7वां मनु का वैवत्सत मनु, ये मन्वंतर का 27वां चतुर्युग चला गया, 28वां महायुग का कलयुग चल रहा है अभी, अकली का परिमाण तो बता दिया 432,000 वर्तमान, तो कुछ भी नहीं है अभी कली का संध्या, कली अब हुआ ही नहीं कुछ, अब बहुत ढेर बाकी है। अभी ऐसा करके हिसाब बताया ब्रह्मा का, हिसाब बताया सहस्र युग पर्यंतम महर्षत ब्रह्मनो विदुहु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्रो विदो जना, ऐसा करके दिन और रात ब्रह्मा का हिसाब किया गया। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अव्यक्तात् व्यक्तयो सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तो संगके,
अव्यक्तात व्यक्त हो। जब ब्रह्मा जी का प्रलय भी बहुत किस्म का है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय बहुत से हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय बहुत से किस्म का प्रलय है। और ब्रह्मा का एक दिन का अंदर कल्प खय तो ये भी प्रलय होता है। अव्यक्तात व्यक्तयो सर्वा प्रभवंति हरागमी रात्रागमी प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संघके। प्रलय हो गया, फिर उसका बाद अहरागमे ब्रह्मा दिवागमे अव्यक्ता अव्यक्त होते अव्यक्त शेष, फिर जीवों का फिर दर्शन होता है शरीर प्रकार के, शरीर एक एक शरीर प्रकार के से जन्म लेता है, जीवों का दर्शन होता है। अहोरात्रागमे ब्रह्मा का अहोरागमे ब्रह्मा का एक दिवस जब आगमन होता है तब अव्यक्त अदृश्य अवस्था से सर्वहा व्यक्तयो सर्वव्यक्त पदार्थ होता है, जन्म लेता है, प्रभवंती उत्पन्न होता है। और रात्रागमे जब ब्रह्मा का रात्रि होता है तत्र एव अव्यक्त संग के लीन हो जाता है। ये अव्यक्त संग मूल कारण है, प्रलीय अति लय प्राप्त होता है। पहले चर्चा हुआ था जो सांखों का मूल प्रकृति को अव्यक्त बोला जाता है, प्रधान और प्रकृति, इसका बारे में चर्चा हुआ था पहले। सो ऐसा करके प्रकृति का पहला परिणाम महत्तत्व बताया गया था, महत्तत्व से डिवीजन होके होके कैसे कैसे होता है। और तमाम सूक्ष्म जीव समष्टि जो है, तमाम एक हिरण्यगर्भ, तमाम जीवों का अधिष्ठान, उसके बाद फिर जन्म होता है। ब्रह्मा का दिवस आगमन में एक कल्प और सृष्टि, कल्प क्षय में प्रलय, ऐसा माफिक पुनः पुनः चलते रहता है जब तक मुक्ति ना मिले। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण इति व्यवस्थिति, तब तक ऐसा आना जाना जीवों का चलते रहेगा। प्रतिकल्पे को हर कल्प में जन्म लेना मरना ये चलते रहेगा, इसका कोई रोक टोक नहीं है, इसको रोकना संभव नहीं है। इसीलिए अगला सुख में बताया, भूतो ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जन्म मरण तो है ही है, ऐसा मापिक पुनः पुनः जीव सब जन्म लेता है और मरता है, लीन हो जाता है। भूतो ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ऐसा करके जन्म और मरण होते रहते हैं। रात्रागमी अवशः पार्थो प्रभवति प्रभवति अहरागमी, रात्रि आगमन में सब विश्राम लेता है चुपचाप सारे जीवात्मा। रात्रागमी अवशः पार्थो प्रभव प्रभवति अहरागमी, जब अह माने दिन आता है तो फिर जन्म लेता है। परस्तस्मात् तु भावो अन्नो अव्यक्तो व्यक्तात् अव्यक्तो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नत्सु न विनश्वति। परः तस्मात् तु भावो अन्नो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नत्सत्सु नक्षत्सु न विनश्वति। ये अव्यक्त अर्थात प्रकृति का अतीत जो नित्य वस्तु है, जिसको अभी शुरू किया था इस विषय में, जिसका ध्यान है अनंत का प्रति, इस बात देके शुरुआत किया था इसीलिए, क्योंकि थोड़ा ज्ञान हो जाए
इसी बात देखो शुरू किया था, अनंत का साथ संबंध अगर जोड़ के रखे, मतलब इसका अगर ध्यान है ये प्रकृति का अतीत अतीत कोई नित्य वस्तु है और वक्त पदार्थ है जिसको ये बद्ध अवस्था में देखा नहीं जाता, समझा नहीं जाता, ये अगर ऐसा विचार वाले है तो इसका कोई विनाश है नहीं। जिसका ये ध्यान हो गया, इसका कोई पूरा एकदम इसका ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये अनित्य जगत है, अनित्य व्यक्ति प्रधान प्रकृति, इसका पीछे एक रहस्य है प्रकृति का, भूतों का विनाश, भूतों का नाश होता है बाहरी दृष्टि में, लेकिन असलियत में आत्मा का भी विनाश नहीं है। भूतोग्रह मतलब इसका शरीर का विनाश होने से भी वास्तव आत्मा का विनाश नहीं है। इसलिए हे पार्थो, अव्यक्तों का अतीत एक नित्य अव्यक्त पदार्थ है, वो अव्यक्त पदार्थ जो नित्य है, सकल भूत का विनाश होने से भी उसका विनाश नहीं हो पाता, नित्य वस्तु है। अव्यक्तो अक्षरो इति उक्तस्तमाहु परमां गतिम यं प्राप्तो न निवर्तन्ते तद्ध्यामं परमं मनो। जो चीज अव्यक्त अक्षर नामे कथितो परिचित है, जहां को श्रेष्ठ गति माना गया, जहां प्राप्ति करने का बाद पुनर्जन्मों का सवाल ही नहीं, ये स्थान ही मेरा स्थान है, भगवान कह रहे हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं परम गति, तद्भिन्न जन्म अतिक्रम करने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे को प्राप्ति किए बिना दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि नित्य जगत में प्रवेश करे। पुरुष स पर पार्थो भक्त्या लभ्यंतु अनन्या जस्यांतो स्थानी भूतानि जेनो सर्वमिदं ततम। ये श्लोक का पहले अगला श्लोक जो है विचार ये सुन लो पहले। अव्यक्त अक्षरो, ये अक्षर वस्तु अव्यक्त है, उसको देखा नहीं जाता, हर आदमी देखा नहीं, भजन के द्वारा ही दर्शन हो सकता है। अव्यक्त अक्षरो इति उक्तोस्तम आहु परमाम गतिम जं प्राप्तो न निवर्तन्ते तद्ध्यामं परमं मनो। जिस वस्तु को प्राप्त करने का बाद और कुछ चीज अधूरा नहीं रह जाता, जिस प्राप्ति जिस वस्तु प्राप्त करने का बाद जिसको प्राप्त मेरा यू नो इधर आने का ये जड़ जगत में आने का कोई दरकार नहीं, ये धाम मेरा धाम है। जंग प्राप्तो न निवर्तन्ते तो अध्यामं परमं मम, जिसको प्राप्त करने के बाद और लौट के आने का कोई दरकारी है नहीं, इसका नाम है मेरा धाम। जंग प्राप्तो न निवर्तन्ते तो अध्यामं परमं मम। और अव्यक्त अक्षरो इत्युक्त स्तमाहु परमाम गति, ऐसा कर। अगला श्लोक में बताया पुरुष स पर पार्थो भक्त्या लभ्यंतु अनन्या जस्यांतो स्थानी भूतानि जेनो सर्वमिदं ततम। जो वस्तु नित्य वस्तु सर्वभूत में विराजमान है, जो पदार्थो हर भूतों में विराजमान है, जथा महांति भूतानि उच्चावचि शुनु प्रविष्टन प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। सर्वभूत में प्रविष्ट हो गए भगवान को, ओमनीपोटेंट बोला गया।
हे पार्थो, सकल भूत जहाँ ते अवस्थित है, जिसके द्वारा ये व्याप्त होके रहता है, जहां द्वारा ये समस्त जगत व्याप्त हुआ है, वही परम पुरुष एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही लाभ किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ये पुरुष को अनन्य भक्ति योग के द्वारा ही लाभ किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। पुरुषः स परः पार्थो भक्त्या लभ्यन्तु अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इसको लाभ किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। यस्यान्तो स्थानी भूतानि येनु सर्वमिदं, सर्वभूत में विस्तृत, सर्वभूत का अंदर ये वस्तु है, सारा व्याप्त होके रहता है, तमाम दुनिया अनंत ब्रह्मांड व्याप्त होके रहता है, यही ब्रह्म वस्तु है, नित्य वस्तु है, इसको जानना बहुत कठिन है। अब यह काल का विचार कर रहे हैं, जैसे काल बताया उत्तरायण दक्षिणायन, जाड़े का जो 6 महीना है ये उत्तरायण है, इसका बाद जो 6 महीना है इसको दक्षिणायन बताया गया। ऐसा मान्यता है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से अच्छा गति होता है और दक्षिणायन में थोड़ा फेर पड़ जाता, घूमना पड़ता है दक्षिणायन में। पितामह भीष्म के बारे में भी भागवत श्री महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है, पितामह भीष्म दक्षिणायन का अपेक्षा में उत्तरायण का अपेक्षा में, लेकिन ये बात कहाँ तक सच्चा है, ऐसे तो लोग कहते रहते हैं महाभारत में, इसका सूक्ष्म विचार बनता नहीं। पितामह विश्व द्वादश महाजन का एक महाजन है, पितामह विश्व महाभागवत है, पितामह विश्व का क्या ऐसा जरूरी है कि दक्षिणायन आए उत्तरायण आए तभी शरीर छोड़े, क्या भगवान के उसको कृपा नहीं करे? तो उत्तरायण लिखा हुआ है, ये भी इसका भी व्याख्या होनी चाहिए, उत्तरायण लिखा हुआ है, पितामह विश्व उत्तरायण का अपेक्षा में, इसका बारे में व्याख्या होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा गुरु वर्गों ने कि दक्षिणायन में किया है तो ये विचार आ जाएगा महाराज जरूर इसका असद गति हुआ है, ये तो उल्टा विचार आ जाएगा। अर्थात मतलब ये है गुरु वैष्णव के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए कि उत्तरायण दक्षिणायन का विचार नहीं बनता, शुद्ध भक्तों के लिए उत्तरायण दक्षिणायन ये सब विचार नहीं बनता है, क्योंकि जब भी सूर्य छोड़े वो तो भगवान का पास ही जाएगा, वो घूमने जाएगा थोड़ी दक्षिणायन, ना ऐसा नहीं विचार। तो ये जो उत्तरायण के बारे में भागवत जी महापुराण लिखा हुआ है, इसका कोई कोई महात्मा ने ऐसा भी व्याख्या करता है, उत्तरा का गर्भे भगवान परीक्षित महाराज को बचाने के लिए उत्तरा का गर्भों में प्रविष्ट हुए थे। ये उत्तरा जो है भक्तिमती, इसका बारे में अंग्रेजी कथा में चर्चा होने जा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा। तो उत्तरा का भक्ति सामान्य नहीं है, उत्तरा का भक्ति अनन्य भक्ति, तब उत्तरा का हृदय में तभी प्रविष्ट हुआ भगवान, जब उत्तरा का भक्ति सामान्य नहीं है, परीक्षित महाराज को बचाने के लिए भगवान प्रविष्ट भये, किसका गर्भ में? उत्तरा का गर्भ में। उत्तराया गर्भे जो सशयनम, ऐसा करके व्याख्या होता है, भगवान उत्तरा का गर्भ शयन किया था, ये भगवान उत्तरा का गर्भे शयन किया था, और इसलिए भगवान उत्तरा का गर्भे प्रविष्टों के परीक्षित महाराज को उद्धार किया था, ऐसा विचार भी कोई कोई आदमी कहता है।
तो इसमें क्या होता है, जो उत्तरा का घर में भी प्रविष्ट हुआ था उसका अपेक्षा में उसका चरण का कृपा लेने के लिए हमारा पितामह विश्व शरीर छोड़ा। तो देखने में लगता है उत्तरायण आने के लिए अपेक्षा है, तो ये विचार हो तो ठीक है कि उत्तरा का गर्भ में जिसका शयन हुआ था भगवान पहुंचे थे, ये भगवान जब तक ना आए भगवान शरीर नहीं छोड़े, तो विचार वही है। पितामह विश्व के सामने में कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान पांच पांडव सारे ऋषि मुनियों को लेकर पहुंचे और उस समय तरह तरह का विचार बताया। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किए और पितामह विश्व ने उत्तर दिए। उसके बाद भागवत में विचार आया, विचार आता है पितामह विश्व भगवान का मुखारविंद चरणारविंद में मन स्थिर किए और धीरे 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 अपना शरीर को छोड़ दिए और स्वीकार भी किए, बोले ये भगवान हमारा जाने का पूर्वे कृपा करने के लिए मेरा पास पहुंचे, ये माने ठीक है। जब भी ये तो यहाँ विचार है, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड विचार है बहुत सारे। ये यत्रो काले तू अनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति त्वं कालं वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, हे अर्जुन, मैं अभी ये समय के बारे में बताने जा रहा हूँ। यत्रो काले तू अनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः, यो योगिनो योगिनः, जो योगीगण जिस समय में छोरी छोड़ के प्रयाता यान्ति त्वं कालम, किस समय में शरीर छोड़ने के बाद और रिटर्न नहीं आते और जिस समय में शरीर छोड़ने के बाद फिर रिटर्न आना पड़ता है। यत्रो काले तू अनावृत्ति, अनावृत्ति मैंने और आने का दरकार नहीं। यत्रो काले तू अनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति त्वं कालम बक्षामी वरत से, उसी काल का बारे में तुमको व्याख्या करेंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को इस समय और काल का बारे में तुमको व्याख्या करने जा रहा हूं। जिस समय में योगीगण शरीर छोड़ के पुनरावर्तन नहीं करते और जिस समय में शरीर छोड़ के पुनरावर्तित तो होता है, ऐसा बारे में बताएंगे। यत्रो काले तु अनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति त्वं कालं वक्ष्यामि वर्तसव, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका बारे में भक्ति ठाकुर भी लिखा है बहुत सुंदर, बहुत सारे लिखा है। भगवत प्राप्तो व्यक्तिगण अनित्य जन्म प्राप्त होता नहीं, विश्वनाथ चतुर्वेदी वाला बताए, किंतु बाकी आदमी का पुनर्जन्म तो होता ही रहता है, एक जो रोकना संभव नहीं, ये आएगा ही, ये जगत में आना जाना चलते रहेगा। अग्निर ज्योति रह शुक्लो सनमासा उत्तरायणम, उत्तरायण किसको बोलता है इसका बारे में, उत्तरायण के बारे में कहावत है, उत्तरायण किसको बोलता है महाराज, अग्निर ज्योति रहो शुक्ल सनमासा उत्तरायणम। अग्नि ज्योति मतलब श्रुति उक्तो ओर्ची अभिमानी देवता, ये अंतरिक्ष में हमारा ये जो भूर भुव स्व मह जन तपोल को ऊपर ऊपर का सब लोक है, सब इसका एक एक स्थान है। यहां लिखा हुआ है अग्निर ज्योति रहम शुक्ल, अग्निर ज्योति मतलब श्रुति उक्त, श्रुति में कहा गया अर्शिर अभिमानी देवता, तेज का अधिष्ठाति देवता अर्थात दिन का अधिष्ठाति देवता, तत्रो उसी स्थान में ये सकल देवतागण देवतागण का जाने का पथ है।
तत्रो इस स्थाने अर्थात इस सब स्थान जो है देवता गण का लक्षित पथे, देवता गण का लक्षित पथे उत्तरायण, उत्तरायण अभिमानी देवता रहता है। शुक्लो अर्थात शुक्ल पक्षेर अधिष्ठात्री, शुक्ल पक्ष का अधिष्ठात्री, शुक्ल का अधिष्ठात्री जो है धूम्र रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन होता है और अग्नि ज्योति के बारे में श्रुति उक्त और चिर अभिमानी देवता, तेज का अधिष्ठान देवता, अहो अर्थात दिन का अधिष्ठाता देवता। तत्र स्थान में ये सकल देवता का लक्षित पथ है उत्तरायण बोला जाता है। उत्तरायणे अभिमानी देवता, उत्तरायणे कुछ देवता लोग हैं उत्तरायण में, शुक्लो शुक्ल पक्षे उदिष्टात्री। शुक्ल पक्ष उदिष्टात्री जो ये अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण छह मास, इसी समय देवता गणों के लक्षित पथ में जाया जा सकता है। ब्रह्म से ब्रह्म उपासक गण तो ब्रह्म के प्राप्त होता है ऐसा लिखा हुआ है वेदों में। इधर उधर सब सारे विचार बनाए हैं, अगर ये सब योगी इस समय में सॉरी छोड़ दे तो जाके क्या होता है ब्रह्म को प्राप्त होता है। भक्तिमय ठाकुर जी ने बताए हैं, भक्तिमय ठाकुर जी ने बताए हैं ब्रह्मविद पुरुषगण, भक्तिमय ठाकुर का कहना है ब्रह्मविद पुरुषगण अग्नि योति ही शुभ दिन उत्तरायण काल में शरीर छोड़ के ब्रह्मलाप करता है। अग्नि ओ योति शब्द द्वारा और चिराभिमानी देवता प्रकाशमय देवता रहो शब्दे अहो अभिमानी देवता, रहो शब्द के द्वारा रहो अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष शुक्ल 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 शब्दे शुक्ला शुक्ल शब्दे पक्षाभिमानी देवता शुक्ल पक्ष शुक्ल शब्दे शुक्ल पक्षाभिमानी देवता गण को समझाया गया और तत्त वस्तु ओ काल प्राप्तो मन प्रवृत्ति इंद्रियों का प्रसन्नता ही योगी का ब्रह्मलाभ का कारण होता है। ये लोग ठाकुर बताया ब्रह्मविद पुरुषगण अग्नि योति शुभ दिन और उत्तरायण काले देह छोड़ के ब्रह्म वस्तु को प्राप्त करता है। एरु समय मृत्यु लाभ करने के बाद योगी का पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन भक्ति योगी के बारे में ऐसा विचार नहीं है। जैसे हमने पितामह भीष्म के बारे में बताया था और आगे जो बताया धूम्र रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्रो चांद्रमसम योतिर्योगी प्राप्पो निवर्तते। धूम्र मतलब धूम्र देवता, धूम्रपत का देवता रात्रि तथा रात्रि देवतागण कृष्ण कृष्ण पक्ष अधिष्ठात्य देवतागण सन्मासा दक्षिणायनम छ मास का दक्षिणायन दक्षिण आयन का देवता लोग जो है तत्रो एक काले प्रयाता शरीर छोड़ का योगी कर्म योगी चंद्रमसम ज्योति ही चंद्रमार ज्योति स्वरूप स्वर्गो प्राप्तो होके निवर्तते पुनरावर्तन करते रहते, पुनरावर्तन होता है उसका। धूम्र रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्रो चंद्रमसम योतिर्योगी प्राप्पो निवर्तते। ऐसा धूम्र मार्ग का अधिष्ठाति देवता, रात्रि मार्ग का अधिष्ठाति देवता, कृष्ण मार्ग का अधिष्ठा कृष्ण मतलब कृष्ण पक्षों का अधिष्ठाति देवता, सन्मास दक्षिणायन का अधिष्ठाति देवता, इसी समय तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्पो चंद्रमार
ज्योति स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होने के बाद पुनर्वार उसको जन्म होता है, पुनर्वार जन्म होता है उसका, उसका छुटकारा नहीं मिलता। ऐसा करके और ऐसा करके दो मार्ग अर्थात एक दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग का जो स्थिति है इसका बारे में चर्चा किया गया है। ऐसे लिखा हुआ है अगले श्लोक में, जैसे तू दो श्लोक पाठ कर दिया हमने, दो श्लोक में लिखा हुआ है अग्निर ज्योति रहो शुक्लो सनमास उत्तरायणम तत्रो प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मो ब्रह्मविदो जनः। इसका सहज सरल व्यक्त भक्तिवीर ठाकुर ने कह दिया और धूम्र तथा कृष्ण सनमास दक्षिणायनम तत्रो चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्तो निवर्तते। शुक्लो कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृति अन्नया वर्तते पुनः। शुक्लो कृष्णे दो पक्षों के बारे में बताया गया, दक्षिणायनम कृष्ण शुक्लो कृष्णे गोति ही एते, शुक्ल पक्षों का गोति कृष्ण पक्षों का गोति ये जो है शुक्लो कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते मते, दो प्रकार का गोति के बारे में बताया गया भक्ति में ठाकुर जी ने बताया। ये जगत में शुक्लो और कृष्णो ये द्वि सनातन गोति के बारे में मार्ग के बारे में बताया गया। भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं इस जगत में शुक्लो शुक्लो और कृष्णो ये दो किस्म का सनातन गति अर्थात मार्ग बताया गया। शुक्ल मार्ग में गति के द्वारा अनावृत्ति और आने का कोई दरकार नहीं है पुनर्जन्मों का, एवं कृष्ण मार्ग में गति के द्वारा आवृत्ति हो जाता है। भक्ति में ठाकुर का ये कहना है शुक्ले मैंने शुक्लो कृष्णे गति ही एते, शुक्लो कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृतिम अन्नया वर्तते पुनः। बस हो गया। आगे चलकर ये मार्गों के देवजान ओरछी मार्ग शुक्ल पक्ष का विभिन्न नाम दिए, उत्तरायण एक एक किस्म का नाम दिया गया। इसका बाद देवजान मार्ग शुक्ल पक्षों के बारे में जो बताया गया अभी चर्चा हुआ था इसका बारे में अग्निर ज्योति रह शुक्लो सनमास उत्तरायणम ये जो बताया गया है इसका बारे में ये मार्ग को देवजान देवजान मार्ग ओरछी मार्ग शुक्लो प्रकाशमय मार्ग और उत्तरायण तरह तरह का नाम दिया गया। ये मार्ग जो है प्रकाशमय है, इस जगह जाने का बाद इसको पुनर्आगमन का दरकार नहीं है। आज जिन लोगों का ज्ञान लाभ हुआ नहीं ये लोग अंधकारमय धूम्रादि मार्ग के गमन को लिए इसका बारे में बताया गया नेक्स्ट श्लोक में जो धूम्रो रात्रि तथा कृष्णो सन्मास दक्षिणायनम तत्रो चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्तो निवर्तते। इसका जन्म पुनर्जन्म होता है फिर आ जाता है इस जगत में। ब्रह्मलोक प्राप्ति होने का बाद ये मार्ग जो दक्षिणायन का मार्ग बताया, इसका और बहुत सारे नाम हैं, पितृयान मार्ग, धूम्रादि मार्ग, कृष्णो मार्ग, दक्षिण मार्ग व दक्षिणायनम, बहुत सारे इसका बारे में चर्चा किया गया। जाग यज्ञादि पुण्य बोले है नो ये लोग अगर इसी मार्ग में गए ज्ञान का परिपुष्टि नहीं हुआ तो चंद्रलोक आदि गमन कर पुनराय पुण्य क्षय होने के बाद पुनः आवर्तन करता है।
ब्रह्मलोक प्राप्तो साधकगण ब्रह्मा का आयुष्काल तक ब्रह्मलोक में रहते हैं। जो लोग ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक प्राप्तो साधकगण ब्रह्मा का आयुष्काल तक पर्यंत ब्रह्मलोक में वासवास करते हैं। ब्रह्मलोक जब जब विनष्ट हो जाता है तखन इस समय लोगों पुनर्जन्म अवस्था में भी पुनराय लोग का जन्म होता है, और भजन का अगर पुष्टि हो जाता है तब तक तो ब्रह्मलोक में अवस्थान के समय सम्यक ज्ञान अगर उत्पन्न हुआ तो परब्रह्म भी लीन हो जाता है, मोक्ष लाभ करता है। याद रखे क्रम मुक्ति बढ़े, क्रम मुक्ति धीरे धीरे अपर लोगों में भूर भुव स्व महो जनो तपो सत्य लोग गया, यहाँ अपेक्षा करो। और ब्रह्मा का जिंदगी जब तक है और इस समय के अंदर अगर इन लोगों का ज्ञान का मैच्योरिटी हो पाया तो हो गया, ब्रह्मा का साथ ये भी निकल जाएगा, ब्रह्म लीन हो जाएगा, इसको क्रम मुक्ति बोला गया। जो भी है नैते सीति पार्थो जनानो योगी मह्यति कश्चन हो तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनो। हे अर्जुन, ये मुखो संसार प्राकप मुखो प्राप मुखो और संसार प्रापक दोनों ये मार्गद्वय अवगतो होने का बाद योगी पुरुष मोह प्राप्त होता नहीं, योगी और मोह प्राप्त होता नहीं, और संसार प्रापक कर्मों में लिप्त होता नहीं, मुख्य पापक कर्मों का अवलंबन करते हैं। अतएव अर्जुन, तुम सर्वदा योग युक्त होके ईश्वर में भगवान में हम में चित्तो समाहित करके बैठे रहो, बस यही समाधान है तुम्हारा। नैते श्रीति पार्थो जाने नो, नैते श्रीति पार्थो जानन, नैते श्रीति पार्थो जानन योगी मुझ्यति कश्चन। जानन में जानने का बाद ये सब जो पद्धति है, ऐसे गुप्त रहस्य जानने का बाद इसका मोह प्राप्त नहीं होता। नैते श्रीति पार्थो जानन योगी मुझ्यति कश्चन, कभी भी मोह प्राप्त नहीं होता। तस्मात, इसीलिए मेरा प्रार्थना है अर्जुन, तस्मात सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन, तुम सर्वदा योगयुक्त होकर मुझ में चित्त समाहित करके रहने का कोशिश करो, इसमें सुविधा होगी। अंतिम श्लोक 28 नंबर श्लोक से बता रहे हैं, जे वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैवो दानेषु यत् पुण्य फलम् प्रदिष्टम् अत्तेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैवो दानेषु यत् पुण्य फलम् प्रदिष्टम्। वेदेषु वेद समूह में, यज्ञ समूह में, तपोषु माने तप समूह में, दानेषु दान समूह में, ज्योत ज्योत माने जो पुण्य फल प्रदिष्टम उपदिष्ट हुआ है, इदम यह विदित्वा जानिया योगी तत् सर्वम अतित्तो, ये सब छोड़कर अतिक्रम करके च आद्यम परम स्थान उपैति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। वेदेषु वेदों में, वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु यत् पुण्यम फलम प्रदिष्टम, जब पुण्य फल का आशा रखता है मतलब इसका भक्ति शुद्ध नहीं है। वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैवो दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, ये सब चीजों में कोई आकांक्षा नहीं रखते हुए, कोई आशा आकांक्षा नहीं है, कोई कामना वासना नहीं है बिल्कुल,
क्यों ज्ञान वासना कामना वासना रहते 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 समय कंटामिनेटेड हो जाता है। वेदेशु योग्येशु तपोसु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो जो पुण्य फल एक एक विषय में बताया गया ये सब अतिक्रम करके तत्सर्वम अतित्तो न अत्येति, अत्येति माने अतिक्रम करके, अत्येति तत् अत्येति तत्सर्वम इदम, ये सब अतिक्रम करवे विदित्वा, ये सब ज्ञान लाभ करके योगी वैसा मापिक जो योगी है वो परम स्थानम उपैति च्वादम, उसका आदि जाएगा अनादि परम अप्राकृत स्थान को प्राप्त करता है। आदि ये ऊपर नीचे चक्कर चक्कर लगाने के लिए घूमता नहीं, अस्थाई स्थान जो है क्रम मुक्ति ये इसका नहीं है। ये पूरा विचार करके ये सब जो लुक्रेटिव ऑफर है लोभनीय ऑफर है ये सब छोड़ने का बाद भक्ति ठाकुर जी बताए भक्ति योग अवलंबन करने से तुम्हें तुम हर फल तुमको मिलेगा। वेद पाठ के द्वारा भी फल है, यज्ञ अनुष्ठान करो, तपस्या करो, दान करो, अब वेदों में ये सब रास्ता बताया गया सर का एक एक फल तो मिलेगा ही, दान इत्यादि जतो प्रकार ज्ञान एवं कर्म है तत्समुदाय फल तुमको मिलेगा। ऐसा अगर लोभ छोड़ के भक्ति योग के द्वारा ये सब अतिक्रम करके एकमात्र भक्ति योग के द्वारा भक्ति योग अवलंबन करने के बाद वो सब लोभोनी वो सब लुक्रेटिव अवार लोभनीय विषय से छुटकारा मिलने का बाद तभी वो अनन्य भक्ति आश्रय करने का बाद, मतलब ये है अनन्य भक्ति आश्रय करने के बाद तब अनादि और परम अप्राकृत स्थान को प्राप्त करता है। भक्तिमोहन ठाकुर ने क्रम बताया सुंदर करके, अनन्य श्रद्धा सहकारी साधुगण का संग में अनन्य श्रद्धा सहयोग साधुगणों का साथ हमारा भजन करते करते अनर्थ का निवृत्ति तखन श्रद्धा निष्ठा रूप परिणत होता है, आ श्रद्धार पूर्वे पाप सकल तिरोहित तो होता है। किंतु तत्व जड़ता उपास्य संबंधे चिंता मल क्लियर कंसेप्शन नहीं रहता तब भी तत्व जड़ता, तत्व जड़ता माने स्टिफनेस, अभी भी रिलैक्स नहीं हुआ, किंतु तत्व जड़ता और उपास्य संबंध में चिंता मल कंसेप्शन में अधूरा, कंसेप्शन में थोड़ा मल है, मिलावटी रहता है। और साधु संघ में भजन करते करते ये जब दूरीभूत हो जाए एलिमिनेटेड हो जाता है, ज्ञान मिश्र भाव योग मिश्र भाव और भुक्ति मुक्ति दूषित भाव ये समस्त भजन तत्व का अनर्थ जो है ये सब छोड़कर सकल अनर्थ छोड़ के जितना देर तक भजन शुद्ध होते चलता है, जे सकल अनर्थ होते भजन जतो शुद्ध है ये सकल विषय से भजन जितना जितना शुद्धि होते जा रहा है भक्ति वृत्ति उतना ही केवला भक्ति का रूप लेता है, उतना ही केवला भक्ति का रूप ले लेता है भक्ति वृत्ति तो केवला भक्ति होके शुद्ध भक्ति में बदल जाता है और तब भगवान में अनन्य भक्ति अनन्य आश्रय है। यही भक्तिमय ठाकुर जीष्ट लिखा अष्टम अध्याय का भक्तिमय ठाकुर जी जीष्ट लिखा है इसका सुंदर करके जो भी है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता का जो है अष्टम अध्याय का समाप्ति घोषणा किया गया, अष्टम अध्याय का समाप्ति घोषणा किया गया और अष्टम यहाँ अष्टम अध्याय का समाप्ति बाद में अगले दिन काल से नवम अध्याय का शुरुआत है। भगवान क्या कह रहे हैं कल चर्चा करेंगे। माँ कुरु धनो जनो जौवन गर्वम
हरति निमेषाद कालो सर्वं मयमयमिदं अखिलं मीत्वा ब्रह्मपदं प्रोविश विदित्वा पांच कल्पतरुषि के पासिंद व्यवश पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।